बीटीसी बीएड प्रकरण की वजह से नई शिक्षक भर्ती का जो पड़ाव है वो भी रुका हुआ है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती की जो पड़ाव है उस पर सबसे बड़ा ब्रेक लगने का काम है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत और उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों की नज़र है जो एक नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और जिनके यहाँ बीटीसी डीएलएड वर्सेज बीएड का विवाद चल रहा था। ये मामला चाहे राजस्थान में हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। केवीएस शिक्षक भर्ती भी कहीं ना कहीं इसी का इंतजार कर रही है, लेकिन टेट और सीटेट की जगह सीटेट बार बार होता जा रहा है। ऐसे तमाम सारे पहलू, तमाम सारे प्रश्न है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि सर बीएड बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो कब तक क्लियर हो पाएगा, कब तक इस पर पूरी तरह से जो धूल की बादल छाए हैं वो कब छट जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन हर साल बीटीसी और बीएड के जो अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 3 लाख हों जो पास आउट कर रहे हैं, 2.5 से 3 लाख होंगे, और 2.5 साल हर साल रेस में आ रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में। और यह सिलसिला 17 बैच डीएलएड और यूं कहें 17 बैच बीएड से चला आ रहा है और यह सिलसिला आगे भी चलता जा रहा है। माननीय न्यायालय ने फैसला को रिजर्व कर लिया, आर्डर को रिजर्व कर लिया है और अब न्यायालय बंद होने वाले हैं। और इस मई में, क्योंकि मई में जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं, छुट्टी के पहले आपको आर्डर नहीं डिलीवर हो पाता है, फिर ये मानिए कि जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां खत्म होंगी तब जाके आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। एक सवाल बार बार लोग करते हैं कॉमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, कि सर क्या 6 माह के अंदर बाध्यता होती है कि 6 माह के बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो कई बार लोगों ने सवाल को पूछा, तो बात आप लोग जान लीजिएगा कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि 6 माह के अंदर ही जजमेंट को सुनाया जा सके। ये है कि एक गुहार लगाई जा सकती है न्यायालय में 6 माह के बाद कि माई लॉर्ड फैसले को यथाशीघ्र डिलीवर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश की मैं बात क्यों करूँ, भारत के सभी राज्यों में नई शिक्षक भर्ती की इंतजार हो रही है। क्योंकि अभी नई शिक्षक भर्ती, अब मन में सवाल आ रहा है कि सर केवीएस हो रहा है, अन्य राज्यों में भर्ती हो रही है, बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी हो रही है, फिर उत्तर प्रदेश में इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा जो टेट था, टेट 2021 जो कैंसिल होने के बाद दोबारा परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं मिल पाया है क्योंकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे है और हाई कोर्ट का परिणाम पर स्टे है। फिर नई टेट नहीं हो सकती और नई टेट नहीं होने की वजह से यह रुका पड़ा है मामला कि नई शिक्षक भर्ती कैसे आ पाएगी। फिर भी एक मन में धारणा आती है सर करा लेना चाहिए, जब फैसला आएगा तो जिनको फैसला जाएगा उसी हिसाब से भर्ती प्रक्रिया बदल देंगे, ऐसा नहीं हो पाता। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोग इस बात को टूट पड़े होंगे कि टूटे होंगे कि सर अब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी, अब हमें क्या करना चाहिए, अब पढ़े आना पड़े, पढ़ना ही बंद कर दे क्या, ऐसे भी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल बने होंगे, लाजमी है सवाल ऐसे बनने। तो देखिए भर्ती का जो पिटारा, अगर आप आजादी के बाद से देख लें, जब से बेसिक शिक्षा विभाग का गठन हुआ है, प्राय 3 से 4 साल, 5 साल के, 3 साल के गैप पर ही भर्ती आई है। हाँ, 68,569 एक ऐसी भर्तियां थी जो उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंतराल पर हो गई थी, और लेकिन अगर उसके पहले इतिहास खंगाले तो आपको लगता है कि 4 से 5 साल का गैप मिलता है, लेकिन जब भी परीक्षाएं होती है तो आपको समय कम मिलता है परीक्षा देने का। लेकिन हाँ, उसके बाद परिणाम जो होता है बेशक माननीय न्यायालय के दहलीज पर जाने के बाद थोड़ा सा घिस जाता है, लेकिन उसके पहले भर्ती प्रक्रिया तेजी से होती है। तो जो भी अभ्यर्थी बीटीसी और बीएड के थे, अपनी तैयारी जारी रखें। और एक सवाल आ रहा है बार बार कि सर कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा, परिणाम क्या आएगा, अलग अलग यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो हम एक बार आपको बताएं कि हो सकता है माननीय न्यायालय बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि इस पर भी कि 69 हजार शिक्षक भर्ती भी कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके अधीन है, और बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो इसके अधीन आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे जो चैलेंज हुआ है ना, वो 28 जून 2018 की एनसीडी की गाइडलाइन को चैलेंज किया गया, इसलिए कहीं ना कहीं ये बात घूम फिर कर या घुमा फिरा कर फिर से एक बार पाले में गिर जाती है कि भैया अब इसका भविष्य क्या होगा। तो भविष्य की चिंता से बढ़िया वर्तमान को भी मजबूत करिए। ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो ठीक है, वरना इंतजार करना पड़ सकता है अभी, और मतलब 2 महीने का लगभग इंतजार करना पड़ जाएगा, और 2 महीने में बहुत सारे लोग टूट जाएंगे लेकिन बहुत सारे लोग मजबूत हो जाएंगे। और फिर से सीटेट का दौर शुरू हो गया, फिर से सीटेट के लोग तैयारी करने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिनका एक लक्ष्य है अभी की बार शिक्षक भर्ती में 1 सीट हमारा, तो उसके लिए भी वो टूट रहे हैं कि सर भर्ती नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि केस का फैसला ही किस आधार पर होगा, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि केस का जो, क्योंकि आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आते हैं कई हजार पन्नों में होते हैं, कई हजार पन्नों में फैसले लिखे जाते हैं, क्योंकि पूरी सुनवाई सुनी जाती है, सुनवाई को पूरा लिखा पढ़ा जाता है, जज फिर से दोबारा सुनते हैं, फिर उसे पूरा लिखा जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है, फिर हस्ताक्षर होते हैं, तब जाके ऑर्डर डिलीवर होता है। तो इस प्रकार समय लगता है, और इस बार भी आपको समय लगा है काफ़ी लंबा, लेकिन जल्द ही ऑर्डर आ जाएगा और आप सभी के जो सपने हैं
इस पर जो एक लगा लंबा प्रश्न चिन्ह लगा, वो प्रश्न चिन्ह हटेगा। और एक छोटा सा ये कि आप बताएं कि आप इस सुप्रीम कोर्ट का जो आने वाला फैसला, इस पर आप क्या क्या राय है आपकी, और आप इस भारत के परिप्रेक्ष्य में, नई शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? ये फैसला जो आने वाला फैसला है, वो उस पर नई शिक्षक भर्ती की जो न्यू है किस प्रकार टिकी हुई है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सुझाव इस वीडियो कमेंट में दे सकते हैं। और इस वीडियो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के रखिएगा। और जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है फेसबुक पर देख रहे, हो सकता है यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि आपके सपनों को साकार करने में जो प्रशिक्षण आ रहे हैं वो आपको पता चले। पढ़ाई अपनी जारी रखेगा, क्योंकि देखिए नया गठन की बात चली हुई, वीडियो में आपको एक वीडियो पढ़ा होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, जहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि अभी मामला बीएड बीटीसी का क्लियर नहीं हो पा रहा, जब तक नया आपके गठन की जो प्रक्रिया थी वो तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि नया आयोग ही नया यूपीटेट कराएगी, तो यूपीटेट कब कराएगी और फिर शिक्षक भर्ती कब कराएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे और आपको भी पास भी होंगे, इस सवाल का भी जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, सेल्फ स्टडी करें, घर पर पढ़ें, खुद से पढ़ें, लेकिन तैयारी जारी रखेगा, क्योंकि जिस दिन आपका सपना पूरा होगा उस दिन सारी संघर्ष की गाथाएं आपके आगे सुन हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये पहाड़ सा लग रहा होगा। मेहनत करिए, अपना बेहतर दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं, और आपके रेस सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से और सिलेक्शन से रहेगी। बीड बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट का मामला, इसमें आपका क्या कहना है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भी बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।